नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल रेलगढ़ में। दोस्तों, आप सभी को पता है कि भारतीय रेलवे के अंदर 151 प्राइवेट ट्रेनें चलनी है और उसके लिए 109 रूट डिसाइड किए गए हैं। दोस्तों, ये प्राइवेट ट्रेनें भारतीय रेलवे से बिल्कुल अलग होंगी, हालांकि उन्हीं के ट्रैक्स पे चलेंगी, लेकिन जैसा हमारा भारतीय रेल नेटवर्क था वैसे ही भारतीय रेल नेटवर्क रहेगा, ऐसा रेलवे मंत्रालय ने साफ कह दिया था। तो दोस्तों, इन्हीं प्राइवेट ट्रेनों को लेकर के एक गुड न्यूज़ निकल के आई है कि भारतीय रेलवे के इस प्रोजेक्ट में करीबन 120 कंपनियों ने इंटरेस्ट दिखाया है और उसमें बाहर की भी बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि इन्वॉल्व हैं, लाइक आपकी एल्स्ट्रॉम जो कि भारत के लिए पहले से काम कर रही है, लेकिन एल्स्ट्रॉम की जब खुद की बनी पूरी की पूरी ट्रेन यानी कि इंजन से लेकर के कोचेस तक सारी चीजें एल्स्ट्रॉम की बनी होगी, जाहिर सी बात उनकी टेक्नोलॉजी और उनकी स्पीड में भी हमें बदलाव देखने को मिलेगा। और उसके साथ में स्पेन की भी बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि इंटरेस्ट दिखाया है इस प्रोजेक्ट को लेकर के। तो दोस्तों, भारतीय रेलवे ने 1 जुलाई को ये डिसीजन लिया था कि 151 प्राइवेट ट्रेनें चलेंगी जिसके लिए 109 रूट डिसाइड किए गए हैं। दोस्तों, अगर मैं उन रूट्स की बात करूं तो यहाँ पे आपको दिल्ली में 2 क्लस्टर्स मिलेंगे, मुंबई में 2 क्लस्टर्स मिलेंगे, बैंगलोर में 12 क्लस्टर्स, प्रयागराज में 11 क्लस्टर, सिकंदराबाद, जयपुर, दिल्ली में 1-1 क्लस्टर और 10 क्लस्टर चंडीगढ़, हावड़ा, पटना, मुंबई और 1 चेन्नई के लिए शामिल किए गए हैं। तो दोस्तों, इन प्राइवेट ट्रेनों के आने से रेल नेटवर्क में एक बड़ा बदलाव देखने को मिले। दोस्तों, कुछ लोगों को एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए बहुत कम समय मिलता है, तो इसके लिए वो इन प्राइवेट ट्रेनों का यूज कर सकते हैं। इनके जो चार्जेस होंगे वो रेल नेटवर्क से अलग होंगे और रेल नेटवर्क के जो भी चार्जेस थे वो पहले के ही जैसे रहेंगे, बाकी इन ट्रेनों के चार्जेस में आपको बदलाव देखने को मिलेगा। तो सो खास बात ये करें अगर इनकी स्पीड को लेकर के, तो इनकी स्पीड करीबन 160 किलोमीटर प्रति घंटे तक रखी जाएगा। हालांकि जो प्राइवेट ट्रेन्स आएंगी इनकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा होने वाली है, लेकिन ट्रैक्स को ध्यान में रखते हुए, मेंटेनेंस को और सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए इनकी जो स्पीड है वो 160 किलोमीटर प्रति घंटे रखी जाएगी। तो आने वाले समय में जैसे जैसे ट्रैक्स को मॉडिफाइड किया जाएगा, सिक्योरिटीज़ को इम्प्रूव किया जाएगा, वैसे वैसे ट्रेन जो है अपने परिचालन में बदलाव करेंगी और अपनी स्पीड को जो है समय के साथ जो है परिवर्तित करती रहेंगी। दोस्तों, अगर बात करें इस प्रोजेक्ट की अंतिम तिथि की, तो 2023 और 24 वित्तीय वर्ष में जो है शुरुआती कुछ ट्रेनें चालू कर दी जाएंगी और इस पूरे प्रोजेक्ट को कम्प्लीट होने में 2027 तक का समय लग सकता है कि 151 प्राइवेट ट्रेनें भारतीय रेल नेटवर्क से जुड़कर भारतीय रेल नेटवर्क में चलने लगेंगी। दोस्तों, बात करें अगर इस प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट की, तो करीबन 30,000 करोड़ का जो है इसमें निवेश होने वाला है इस पूरे प्रोजेक्ट में। तो दोस्तों, एक काफ़ी बड़ा बदलाव होने वाला है भारतीय रेल नेटवर्क में। दोस्तों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतनी जानकारी थी। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य अपडेट के साथ। तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।